ये वाली बस है जिसमें आप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा मिलती है। यहाँ से जैसे अंदर जाइए, है इसका ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे सारी पर्चियाँ कटती है, जहाँ सर आप पूछ सकते हो कि आपने कहा। आपने जैसे ही आप यहाँ एंट्रेस करोगे ग्राउंड फ्लोर में, तो आपको यहाँ एक दिखेगा 25 नंबर काउंटर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है बिट्टू। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पीजे से अपना टेस्ट किस तरह करा सकते हो, पीजे के अंदर अपना आप अपना टेस्ट किस तरह करवा सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, क्योंकि हम घर से निकल चुके हैं टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि आज मेरा भी टेस्ट है। तो हम जितनी जल्दी वहाँ जाएंगे उतनी जल्दी हमारी बारी आएगी। तो मैं घर से निकल रहा हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बज रहे हैं। तो सबको आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपने किस रूम में जाना है, कहाँ पर टेस्ट होंगे, क्या क्या आपने फॉर्मेलिटी करनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस रूम में जाना है। कोई परेशानी नहीं होगी, तो देखते रहिए इस वीडियो को, काफ़ी आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। अभी हम घर से चल पड़े हैं, अभी हम पहुंचे हैं, हम बेसिकली मैं रहता हूँ सोलन में, तो हम सोलन से निकलते हैं सुबह 4 बजे, ताकि हम जल्दी पहुँच जाए। अगर आप भी अपना टेस्ट कराना चाहते हो तो जल्दी वहाँ अपने घर से जल्दी ही निकल जाना। तो अभी हमें तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ये वाला टेस्ट पीजे के अंदर हो जाए, तो हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है। तो ये देख सकते हो आप, ये पीजे ही है पूरा, ये है न्यू पीढ़ी का रास्ता। जब आप आते हो यहाँ से आपने लेफ्ट मुड़ जाना है जी। ये देख सकते हो आप, ये है पीजे का फ्रंट गेट, ओपीडी का फ्रंट गेट। आपने यहाँ से अंदर जाना है। अभी हम अपनी गाड़ी की पार्किंग लगाएंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना टेस्ट कैसे करवा सकते हो, हमने कहाँ पे जाना है, किस रूम नंबर पे जाना है। अभी हमने गाड़ी पार्क करके वहाँ पे जाना है। जब भी आप गाड़ी पार्क जब भी आप अपनी गाड़ी लाओगे, तो आप भी यहाँ पार्क कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये है आपका न्यू ओपीडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट होते हैं, सारे चेकअप होते हैं। अभी हम गाड़ी पार्क लगा के अंदर जाएंगे, और ये है पूरा पार्किंग। आप देख सकते हो, ये पूरा पार्किंग है। अभी आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो यहाँ, सिर्फ घंटे के हिसाब से। ये हमारे भैया जी है जो पर्ची काटते हैं गाड़ियों के, यहाँ पे पर्ची पुर्ची काट के हम चलते हैं। अभी गाड़ी लगाते हैं साइड में, उसके बाद अंदर चलते हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो हमने अभी अपनी गाड़ी लगा दी है साइड में, अभी हम जा रहे हैं पीजे के अंदर। ये है पीजे का बाहर, जहाँ पे आप अंदर जा सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप आते हो तो थोड़ा जल्दी आना, जैसे 4-5 बजे अपने घर से चल के, और यहाँ 6 बजे पहुँचे, ताकि अभी कोई भी दिक्कत ना हो जब आप टेस्ट कराने आओ, ताकि आपकी बारी जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर ऐसे नहीं कि आप 7-8 बजे पहुँच गए, तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। सुबह लोग 4 बजे के यहाँ पर आए होते हैं, सारे लाइन पर लगे होते हैं। तो अभी देख सकते हो आप, अभी पीजे पूरा खाली है, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी आ गया था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, बज रहे हैं अभी 5 बज रहे हैं, 5 या 5:30 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हो, अभी हम ये है इसका फ्रंट गेट, जहाँ से हम अंदर जाएंगे। आपने जैसे ही अंदर जाना है, आपको मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ जाना है। ये इसका ये ग्रिल है, जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, और आगे इसका फ्रंट गेट है। जैसे मतलब जो भी टेस्ट आपके होंगे, वो आपके जैसे आप अंदर जाओगे यहाँ से, ये आप अंदर, ये है इसका मेन एंट्रेंस, जहाँ पे अंदर आप जा सकते हो। यहाँ से जैसे अंदर जाके, ये है इसका ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे सारी पर्चियाँ कटती है, जहाँ सर आप पूछ सकते हो कि आपने कहाँ जाना है, कैसे कुछ करना है, सारा कुछ यहाँ। और ये आगे यहाँ पे लाइन लगती है, आप अपने बिल्ली है वॉशरूम। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। जैसे आप अंदर जाना है, आपने जो आपके टेस्ट होंगे वो आपके ग्राउंड फ्लोर में ही होते हैं टेस्ट। मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने यहाँ से जाना है, ये है पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर। लोग देखो, लोग कितने सुबह बैठ के, सुबह सुबह आ चुके हैं, 4-5 बजे बैठ गए अपनी टेस्ट। ये है इसका अंदर जाएंगे, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर। आपने जैसे ही आप यहाँ एंट्रेस करोगे ग्राउंड फ्लोर में, तो आपको यहाँ एक दिखेगा 25 नंबर काउंटर। मैं दिखा दूँ, जहाँ पर हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे ये आपने मुड़ जाना है राइट, वो देखो पार डायरेक्ट दिख रहा है 25 नंबर काउंटर। यहाँ पर आपने जाना है, अभी तो खुला नहीं है ये, जब खुलेगा तब हम, ये खुलता है कब, 8 बजे खुलता है। देखो अभी कोई भी नहीं आया, हम जल्दी आ चुके हैं घर से, तब हमारी बारी जल्दी है। अभी देखो कोई भी नहीं बैठा हुआ, ये है 25 नंबर काउंटर उन्हीं ओपीडी में, जहाँ आपके सारे टेस्ट होते हैं पीजीआई के अंदर। ये देख सकते हो आप, अभी बंद है पीजी, अभी कोई भी देखो इतने 4-5 लोग है, ये हमारे सबसे आगे लगे हुए हैं। और उसके बाद हमें हमारी बारी आने वाली है कुछ टाइम, और ये खुलेगा 8 बजे खुलेगा। ये वाला रूम है जहाँ पे आप अपना टेस्ट, किया 25 नंबर काउंटर, याद रखना दोस्तों, 25 नंबर काउंटर जहाँ पे टेस्ट होते पीजे के अंदर। अभी देखो सारे अभी बैठे हुए हैं, अभी मैं भी बैठा हूँ, ताकि जल्द से जल्द बारी आ जाए। ये खुलता है 8 बजे, 8 बजे खुलेगा, उसके बाद सारे लाइन पे लगेगी। अभी तो लाइन नहीं है, यहाँ 3 लाइन लगती है, एक लेडीज़ की लाइन लगती है, एक जेंट्स की लाइन लगती है, एक है सीनियर सिटीज़न की। जो परे जो दिख रही है वो है लेडीज़ की, जहाँ मैं बैठा हूँ वो है जेंट्स की, और बीच में लगेगी सीनियर सिटीज़न की। अभी हाँ, अभी देखो अभी बज रहा है, अभी सारा खुल गया, अभी 8 बजने वाले हैं, और ये खुलने वाला है थोड़ी देर में, सारी सिक्योरिटी वगैरह के खुलने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अंदर कैसे जाते हैं।
और ये खुल चुका है, अभी हम जा रहे हैं अंदर। सबसे पहले जेंट्स की लाइन जाती है, आपने जैसे ही लाइन पे लगना है और अंदर जाना है। यहाँ आपको ये दिखते हैं पुलिस वाले जो होते सिक्योरिटी गार्ड, वो आपको बताएंगे आपने किस तरह आपने जाना है अंदर। अंदर चलते रहना है, ये है वेटिंग एरिया जहाँ आपके साथ ही आप बैठ सकते हैं साथ में। आप जैसे आप अंदर जाओगे लाइन में, चलते जाओगे सारे हमारे से आगे थे, ये हमारे से पहले आ चुके हैं। ये कम से कम ये तो पहुँच गए होने, सुबह 5 बजे पहुँच गई, तब से लाइन में लगे हुए 8 बजे तक, ताकि बारी जाए। देखो मेरी बारी 7-8 बजे। और जो आपको पार काउंटर दिख रहा है वहाँ से हमें मिल है टोकन नंबर मिलेगा यहाँ से, जहाँ से आप टोकन नंबर ले सकते हो। और जब जब आपका टोकन नंबर मिलेगा तो आपको बता जाएगा आपने कौन से रूम नंबर में जाना है। यहाँ पे अभी आएंगे स्टाफ आएंगे जो हमें टोकन नंबर देंगे। अभी हम सारे लाइन पर लगे हुए सारे अंदर आ रहे हैं, तो देख सकते हो आप सारे लाइन वाइज लाइन आ रहे हैं। देखो लाइन कितनी है, तो इसलिए बोलता हूँ मैं आपको सुबह जल्दी आना है। जब भी टेस्ट कराने आओगे तो आपको 5 बजे तक तो आ ही जाना, ताकि आपकी लाइन में लग जाए और बारी आपकी जल्द से जल्दी। देखो हम कहाँ हैं और ये लोग देखो कितने पीछे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आपको जल्दी ही आना है। अभी तो थोड़ी देर में हमारे को काउंटर नंबर मिल जाएगा, फिर हम टेस्ट कराने जाते हैं। अभी मैं लाइन पर लगा हूँ, आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर में कितनी कम थी। आप देखो भीड़ देखो आप कितनी सारी हो गई है, इतने सारे लोग टेस्ट कराने आते हैं। ये है हमारे सिटीजन की लाइन। अभी यहाँ पे जो ये खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे मैम आएंगे और वहाँ हमें मिलेगा टोकन नंबर यहाँ से। आप देख सकते हो ये मेरा टेस्ट है जो मैंने टेस्ट कराने हैं। अभी यहाँ से हमारे को टेस्ट के टोकन नंबर मिलेंगे, फिर हमारे को रूम नंबर में भेजा जाएगा। ये मैम आ चुके हैं, अब हमारा यहाँ से मिलेगा टोकन नंबर। जब हमारे को टोकन नंबर मिलेगा तो आगे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आपको टोकन नंबर के साथ साथ रूम नंबर भी दिखाई देगा जहाँ पे आपने जाना है। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, जब मुझे टोकन नंबर मिलेगा। ये देखो भीड़, सारे लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं सबका। अब ये भैया जो काट रहे हैं टोकन नंबर, अभी हमारे को टोकन नंबर मिलने वाला है। तो आप गाइस देख सकते हो मुझे टोकन नंबर मिल सके, मुझे मेरा है 49 नंबर। अब मैं दिखाता हूँ आपको बोर्ड में कि 49 नंबर कहाँ पे आएगा। जैसे ये आप गए और देखो ये आगे बोर्ड लगा हुआ है 132, 133, 134 नंबर, ये रूम नंबर है और आगे ईसा के टोकन नंबर है। मेरी बारी आ चुकी है, मैं 41 में मेरे 133 नंबर पर आया है, ये आप देख सकते हो। तो ऑलराइट गाइज, मेरा टेस्ट हो चुका है, अभी मैं खाना खाने बाहर रहा हूँ। अगर आपको पीजे के खाना नहीं खाना है, पीजे में अंदर कैंटीन, लेकिन बाहर भी कैंटीन है, यहाँ आपको सस्ता मिल जाएगा। पीजे के ये ओपीडी के बाहर ही है, यहाँ आपको सब कुछ खाने को चाय चूँ पीने को मिल जाता है। अभी हमारा टेस्ट हो चुका है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9-10 बज रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट अभी। तो अभी हम जा रहे हैं, मैंने कर दिया है ब्रेकफास्ट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ एक बस होती है वो क्या बोलते हैं नीली कलर की, जिसमें आप पीजे से फ्री आप घूम सकते हो। आपको मतलब पहुँचा था हर एक न्यू ओपीडी में पहुँचाते हैं, जिस तरह मैं दिखा ये वाली बस है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा मिलती है। ये आपको हर जहाँ भी आपने किस भी हॉस्पिटल में जाना है तो ये वाली बस आपको ले जाती है। ये आपके लगती है न्यू ओपीडी, ये पूरा चक्कर मारती है पीजीआई का। देखो इसमें लोग बैठे हुए हैं, ये जहाँ जहाँ आपने जाना है किस भी ओपीडी जाना है तो ये आपको आराम से छोड़ देगी, कोई भी इसमें पैसा नहीं लगता, ये पीजीआई की तरफ से फ्री है। और बाकी आप ऑटो में मत जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे, ऑटो वाले बहुत ही लूटते आपको पता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।